अपनी दाती थी कि आज के बाद इंग्लैंड के भारत नहीं सोचेगा मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो मेरी दादी मर जाए सात नाम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में दोस्तों फाइनली हम सभी का इंतजार खत्म हो चुका है आखिरकार बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म डंकी का टीजर रिलीज हो चुका है टीसर इतना ज़्यादा अच्छा है कि बच्चा बच्चा भी खुल के कह देगा अच्छे से करने वाली शाहरुख और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा अच्छा और दमदार है जिसमें तापसी पन्नू बोमन ईरानी विक्की कौशल और दिया मिर्जा जैसे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं राजकुमार हिरानी की रचना करी गई दुनिया में सभी कलाकार अपनी एक्टिंग से अपनी कहानी सुनाते हुए आपको नजर आएंगे वहीं राजकुमार हिरानी ने हमेशा इतनी शानदार और अच्छी फिल्में दी हैं जिसके अंदर कहीं पर गुस्सा होता है तो कहीं पर प्यार होता है फिल्म सीधे ऑडियंस के दिल से कनेक्ट कर दी है और जहां टंकी राजकुमार हिरानी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जिसमें उन्होंने हर प्रकार का मिश्रण यानी कि पूरे सारे मसाले डाल रखे हैं जिसे देखने में आपको काफी मजा आने वाला है मेरी नजरों में इस मूवी के असली हीरो राजकुमार हिरानी ही, ही हैं, जिन्होंने इस मूवी में शानदार संगीत भी डाला है जो कि सिनेमा के अनुभव को और भी ज्यादा बुलंदियों पर लेकर जाता है और आपको एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देता है जो कि राजकुमार हिरानी ने बनाई है इसमें चार प्यारे दोस्त बताए गए हैं वहीं सोनी पर सुहागा राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का एक एक साथ में आना शानदार फिल्म की निशानी है जैसे तो भैया हो चुका है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी ही साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होगी और टीजर देखने के बाद हमारी पुरानी यादें भी ताजा हो गई है यह फिल्म उसे सिनेमा घर की ओर ले जाती है जो हम कभी पसंद किया करते थे इस टीजर की सबसे खास बात तो मैं यह लगी कि दिल की बात को सुनना कहानी सुनाने का अनोखा अंदाज कभी नरम तो कभी गरम कभी अच्छा तो कभी बुरा महान कहानीकार महान कहानी सुनाते हैं जहां विश्व निर्माण चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इसी के साथ मूवी के अंदर कोमलता बनाई गई है हंसने वाले सीन्स बनाए गए हैं, हैं। आकर्षक दृश्य बताए गए हैं काफी ज्यादा सुंदर बातें बताई गई हैं और दोस्तों पागलपंती की हद पार करने वाली शानदार और कमाल की कॉमेडी भी बताई गई है वही फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक आपका दिल जरूर जीत लेगा आखिरकार अब हमें इस मूवी के माध्यम से शाहरुख खान का पुराना अंदाज देखने को मिलेगा जिसमें अपने परिवार के साथ ही और अपने फैमिली के साथ पूरा आनंद लेकर एंजॉय करके हुए देख सकते हैं और आपको काफी खुशी होगी डंकी दोस्त और उनकी दोस्ती की वैसी कहानी है कहानियां और अधिनियम जो आपके दिल को छू ले आपके दिलों में घर घर जाए फाइनली दोस्तों टीजर देखने में काफी ज्यादा अच्छा है आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्रिसमस डंकी मूवी को सिनेमा घर में जरूर देखने चाहे वंदे मातरम जय हिंद